क्या आप या आपके परिवार में से किसी सदस्य को डॉक्टर ने थायराइड का ऑपरेशन या तो फिर सर्जरी का सुझाव किया है? क्या आपको पता है कि ये ऑपरेशन क्या होता है, किस तरीके का होता है, किस प्रकार का ऑपरेशन होता है और इसको कैसे किया जाता है? अगर नहीं पता तो चलिए जानते हैं हम आज उसके बारे में। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल और मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर तन्वी मयूर पटेल, एंडोक्रेनोलॉजिस्ट यानी कि हार्मोन विशेषज्ञ डॉक्टर मुंबई से। इस वीडियो को शुरू करने के पहले एक इम्पॉर्टेंट सूचना, अगर आपको इस वीडियो को अंग्रेजी भाषा में देखना है तो ऊपर आई बटन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, अगर आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो इस वीडियो को आप अंग्रेजी भाषा में पाएंगे। If you want to watch this video in English language, then on the I button and in the description box, there is a link. If you click on that link, then this video will be played in English language for you. तो चलिए शुरू करते हैं हमारा टॉपिक जो है थायराइड के ऑपरेशन के बारे में। ये बाय द वे ये ऑपरेशन की सीरीज का सबसे पहला वाला वीडियो है, इसके और भी बहुत सारे पार्ट्स हैं ताकि मैं इस वीडियो को पूरा डिटेल में आपको समझा पाऊँ। तो इस वीडियो को शुरू करने के पहले ये हमें ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि थायराइड की ग्रंथि क्या है और उसकी एनाटॉमी क्या है। बाय द वे इस पे मैंने एक खास अलग से वीडियो बनाया है जहाँ पे मैंने बहुत डिटेल में बात की है। यहाँ पे सिर्फ ऊपर ऊपर के तौर पे मैं उतनी ही बात बताऊँगी जो हमें ऑपरेशन से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले जो थायराइड की ग्रंथि जो होती है ये एक ही होती है हमारे गले में और वो गले के फ्रंट में स्थायित होती है। यह ग्रंथि का आकार तितली या तो फिर एच शेप का माना जाता है। यह ग्रंथि बनती है दो लोब में, एक होता है राइट लोब और दूसरा होता है लेफ्ट लोब, और ये दोनों लोब एक दूसरे से मिलते हैं एक इस्थमस नाम की टिश्यू के द्वारा। हमारी जो थायराइड की ग्रंथि के सीधा पीछे चार छोटी छोटी ग्रंथियाँ भी होती है जिसका नाम है पैराथायरॉयड की ग्रंथियाँ। ये पैराथायरॉयड की ग्रंथियाँ हमारे शरीर के कैल्शियम लेवल को मेंटेन रखने में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उसी प्रकार थायरॉयड ग्रंथि के बहुत ही करीब से गुजरती है एक खास प्रकार की नस जिसका नाम है लैरिंजियल नस। ये लैरिंजियल नस के वजह से ही हमारी आवाज़ जैसी है वैसी हो रही है। अगर लैरिंजियल नर्व की कोई दुविधा आएगी तो आपकी आवाज़ में भी परिवर्तन आ सकता है। थायराइड की ग्रंथि जो गले में स्थायित है, हमारे गले में और दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्से हैं जो है विंड पाइप जहाँ से हमको सांस लेते हैं जिसको हम सांस की नली कहते हैं, और दूसरा होता है फूड पाइप जिसको हम ईसोफेगस कहते हैं जहाँ से हमारे खाना पसार होता है। यानी थायराइड की ग्रंथि ये विंड पाइप और ये फूड पाइप दोनों के बहुत ही नज़दीक से पास होती है। ठीक है, ये हो गया बैकग्राउंड हमारी थायराइड की ग्रंथि का। अब थायराइड की ग्रंथि के जो ऑपरेशन होते हैं इस ऑपरेशन को हम कहते हैं थायरॉयडेक्टमी। क्या होता है इस ऑपरेशन में? इस ऑपरेशन में हम आपके थायराइड की ग्रंथि को काट के निकाल के बाहर कर देते हैं। अब क्यों की जाती है उसके बारे में हम बहुत ज़्यादा डिटेल में दूसरे वीडियो में बात करेंगे। तो जो थायराइड की ग्रंथि जो होती है इसके मेन चार प्रकार होते हैं। सबसे पहला प्रकार ये है जिसका नाम है टोटल थायरॉयडेक्टमी। क्या होता है टोटल थायरॉयडेक्टमी? टोटल यानी कि संपूर्ण। यहाँ पे हम आपकी थायराइड की ग्रंथि को संपूर्णता से निकाल देते हैं, यानी उसका राइट हिस्सा, लेफ्ट हिस्सा और वो थायराइड ग्रंथि का हिस्सा जो ट्रकिया यानी कि जो सांस की नली से जुड़ा हुआ है उसको भी हम निकाल देते हैं। उसके साथ साथ में ऑफकोर्स आपकी पैराथायरॉयड की ग्रंथियाँ भी निकल जाएगी। तो टोटल थायरॉयडेक्टमी हम उन्हीं मरीजों को सजेस्ट करते हैं जहाँ पे उनकी थायराइड की ग्रंथि के अंदर कैंसर आया है, या तो फिर कभी कभार जो नॉन कैंसरस बहुत बड़ी ग्रंथि बन जाती है जिसको हम गॉइटर कहते हैं, ऐसे कंडीशन में भी टोटल थायरॉयडेक्टमी यूजुअली डॉक्टर सजेस्ट करते हैं। दूसरा प्रकार है जिसका नाम है सब टोटल थायरॉयडेक्टमी। इसका क्या मतलब होता है? यहाँ पे हम आपकी पूरी की पूरी थायरॉयड ग्रंथि नहीं निकालते,
जो छोटा सा हिस्सा जो आपकी ट्रकिया यानी कि सांस लेने की नली से जुड़ा हुआ था उसको हम वैसे के वैसे रखते हैं और बाकी की जो ग्रंथि है राइट लोब और लेफ्ट लोब उस ग्रंथि को हम निकाल देते हैं। सब टोटल थायरॉयडेक्टमी करने का एक फ़ायदा ये है कि इसके वजह से कभी कभार जो लैरेंजल वाली जो नस होती है इसको डैमेज या तो चोट कम पहुंचती है और इसके वजह से आगे आने वाले जो आपकी आवाज़ के जो कॉम्प्लिकेशन है उसके रिस्क काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। ज़्यादा करके सब टोटल थायरॉयडेक्टमी हम थायरॉयड के कैंसर वाले मरीजों को रिकमेंड यूजुअली नहीं करते हैं। अगर आपके गले में कोई नॉन कैंसर बहुत बड़ी ग्रंथि बन जाती है जिसको गॉइटर कहते हैं वैसे केसेस में सब टोटल थायरॉयडेक्टमी भी सुझाव करते हैं। थायरॉयड के कैंसर में इसलिए हम सुझाव नहीं कर सकते क्योंकि अगर छोटा सा हिस्सा भी अगर कैंसर का बच जाएगा तो आपके शरीर में वापस वो कैंसर लेके आ सकता है। इसीलिए मोस्ट ऑफ द टाइम सब टोटल थायरॉयडेक्टमी हम कैंसर वाले मरीजों को यूजुअली रेकमेंड नहीं करते। तीसरा प्रकार है थायरॉयड की सर्जरी का जिसको हम कहते हैं हेमी थायरॉयडेक्टमी। हेमी का मतलब होता है आधा, यानी कि यहाँ पे हम आपकी पूरी थायरॉयड ग्रंथि को नहीं निकालेंगे, सिर्फ आधे हिस्से को ही निकालेंगे। उस आधे हिस्से को जहाँ पे प्रॉब्लम है और जो हिस्से में प्रॉब्लम नहीं है उस हिस्सों को हम हाथ भी नहीं लगाते। तो हेमी थायरॉयडेक्टमी का एक इम्पॉर्टेंट फायदा ये है कि क्योंकि आपकी आधी थायरॉयड की ग्रंथि की वैसे ही शरीर में है, इसके वजह से आपको ऑपरेशन के बाद में आने वाला जो हाइपोथायरॉयडिज्म की जो समस्या होती है वो चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। और ऑपरेशन के बाद में या तो फिर आपको थायराइड के हार्मोन की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है या तो बहुत ही छोटी मात्रा में पड़ेगी। दूसरा फायदा ये भी होता है क्योंकि आधा थायराइड ग्रंथि है तो उस प्रकार आधा पैरा थायराइड की भी ग्रंथियां मौजूद है और क्योंकि दो पैरा थायराइड की ग्रंथियां ऑलरेडी मौजूद है आपके शरीर में, आपके शरीर में कैल्शियम के इम्बैलेंस के होने की भी संभावना कई हद तक कम हो जाती है। तीसरा फायदा ये भी होता है कि ये ऑपरेशन के द्वारा जो लैरेंजल की जो नस है उसको डैमेज होने के भी चांसेस कम है, यानी हेमी थायरॉयडेक्टमी के तीन इम्पॉर्टेंट फायदे हैं। लेकिन हेमी थायरॉयडेक्टमी हम कब करेंगे, इसके पीछे दो मेन वजह है। सबसे पहला, अगर आपकी थायरॉयड की ग्रंथि की जो मास है, जो ट्यूमर है, जो गॉइटर है, जो कैंसर वाला नहीं है लेकिन वो सिर्फ एक ही हिस्से में है तो वहाँ पे हम ये ऑपरेशन सजेस्ट करते हैं। और दूसरा रीज़न वो है जहाँ पे हमें ये शंका है कि जो मांस है आपके गले में वो कैंसर वाला है या कैंसर वाला नहीं है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। देखिए, कोई भी ऑपरेशन कराने के पहले आपके डॉक्टर आपकी बहुत ही ज़्यादा डिटेल में जांच कराएंगे और ये डिटेल की जांच की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जांच होती है जिसको हम कहते हैं FNAC, यानी कि फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। इस जांच के द्वारा एक छोटी सी सुई आपके ग्रंथि के अंदर जो भी ट्यूमर है उसके अंदर पसार की जाती है और अंदर से पानी को हम निकालते हैं और इस पानी को हम माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं ये जानने के लिए कि क्या ये गांठ जो है वो कैंसर वाली है या कैंसर वाली नहीं है। अगर कैंसर वाली आती है तो फिर डॉक्टर आपको पूरा ही थायराइड ग्रंथि को निकालेंगे जिसको हमने ऑलरेडी बात की टोटल थायरॉयडेक्टमी की। कभी कभार क्या होता है कि अगर FNAC की जांच के बाद में हमें लगता है कि फिर भी ये FNAC का रिपोर्ट उतना रिलायबल नहीं है और वैसे केसेस में हम पूरी की पूरी आपकी ग्रंथि निकालना नहीं चाहते हैं, तो ऐसे जब भी कन्फ्यूजन वाले सस्पिशन वाले जो केसेस होते हैं उस केसेस में पहले शुरुआत के स्टेज में हम हेमी थायरॉयडेक्टमी सुझाव करते हैं ताकि हम आपकी आधी ही ग्रंथि निकालते हैं और ये आधी ग्रंथि निकालने के बाद में हम वापस इसको माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी करेंगे और अगर हमें पता चलता है स्टडी के बाद में कि ये कैंसर वाली गांठ नहीं थी तो अच्छी बात यह है कि आपकी आधी थायराइड की ग्रंथि बच के रह जाती है। लेकिन समझो कि वो कैंसर वाली गांठ बाहर आती है तो फिर वैसे केसेस में आपको और एक छोटी सी सर्जरी वापस परफॉर्म की जा सकती है जिसको हम कहते हैं कंप्लीशन थायरॉयडेक्टमी और ये है चौथा तरीका।
तो कंप्लीशन थायरॉयडेक्टमी की सर्जरी ज़्यादा करके 2 या 3 सप्ताह के अंदर ही परफॉर्म की जाती है हेमीथायरॉयडेक्टमी के बाद में। ये ऐसा इसलिए भी किया जाता है क्योंकि क्या होता है, एक बार आपकी अगर ऑपरेशन हुआ है तो उसके बाद में आपके गले में जो स्कार टिश्यू होती है उसके अंदर एडहीजन्स आने शुरू हो जाते हैं और कभी कभार ये वापस वाली सर्जरी कराना मुश्किल भरा हो जाता है। तो इसीलिए जो कंप्लीशन थायरॉयडेक्टमी यूजुअली 2-3 सप्ताह के अंदर ही किया जाता है। जो भी थायराइड के आपके सर्जन डॉक्टर है वो काफ़ी एक्सपीरियंस होते हैं ऐसी सर्जरी को परफॉर्म करने के लिए भी। कभी कभार कंप्लीशन थायरॉयडेक्टमी के वजह से थोड़ी नर्व को डैमेज होने की संभावना थोड़ी बढ़ जाती है, लेकिन वो अगेन आपके केस पे डिपेंड करता है। अब जैसे ही हम थायराइड के ऑपरेशन की बात करते हैं, मरीजों के मन में कुछ सवाल आते हैं। सबसे पहला सवाल, क्या ये ऑपरेशन कॉमनली किया जाता है? जवाब है जी हाँ, ये ऑपरेशन बहुत ही साधारण ऑपरेशन है और बहुत ही कॉमनली किया जाता है। अगर आपके थायराइड के अंदर गोइटर है या तो फिर कुछ गांठ है, लंप है या तो फिर कैंसर वाली गठान है तो ऑपरेशन बहुत ही कॉमनली किया जाता है। लेकिन जी हाँ, ये ऑपरेशन एक मेजर सर्जरी में माना जाता है, यानी एक बड़ी सर्जरी में माना जाता है। ये ऑपरेशन कराने के लिए आपको अस्पताल में यूजुअली भर्ती होना पड़ता है। देखिए, आजकल बहुत सारे सेंटर में डे केयर प्रोसीजर ये भी हो चुके हैं जहाँ पे सुबह में आप आइए, ऑपरेशन कराइए और फिर शाम को आप घर पे वापस चले जाएं। लेकिन थायराइड की सर्जरी के बाद में कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, इसलिए यूजुअली डॉक्टर एडवाइस करते हैं आपको हॉस्पिटल के अंदर भर्ती होकर रहने की। यह इस बात पर भी डिपेंड करता है कि आपका किस प्रकार का ऑपरेशन हुआ। क्या ये टोटल थायरॉयडेक्टमी हुई है या एक छोटा सा हिस्सा हमने काट के बाहर किया है? किस वजह से आपका ऑपरेशन हुआ था? क्या थायरॉयड कैंसर था या एक छोटा सा सादा सा गठान था? ओके, आपकी और ओवरऑल हेल्थ कैसी है? क्या आपको डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट की या किडनी की ऐसी कोई बीमारियाँ हैं? तो ये ओवरऑल आपकी हेल्थ पे भी डिपेंड करता है, जिसके वजह से हम डिसाइड करते हैं कि आपको क्या तो अस्पताल में भर्ती होना पड़ेगा या नहीं होना पड़ेगा। दूसरा मरीजों का सवाल होता है कि ये ऑपरेशन के लिए किस प्रकार का एनेस्थीजिया को दिया जाता है। देखिए, क्योंकि ये सर्जरी एक बड़ी और मेजर सर्जरी में माना जाता है, एनेस्थीजिया हम ज़्यादा करके जनरल एनेस्थीजिया का ही इस्तेमाल करते हैं। दूसरा मरीजों का सवाल होता है कि क्या ये ऑपरेशन एक ही डॉक्टर करेंगे या एक टीम ऑफ डॉक्टर्स आ जाती है? देखिए, ज़्यादा करके ये टीम वर्क में ही माना जाता है। शुरुआत में जब आपको लगता है कि आपके थायराइड में कुछ प्रॉब्लम आया है तो आप आपके नज़दीकी एंडोक्राइनोलॉजिस्ट डॉक्टर के पास जाएंगे, वो आपकी पूरी जांच पड़ताल करेंगे। और जब हमें जांच पड़ताल के बाद में हमें रियलाइज़ होता है कि आपको एक बड़ा गोइटर है या तो फिर कैंसर वाली गांठ है तो उसको हमें निकालना पड़ेगा। और जैसे ही ऑपरेशन का निर्णय लेते हैं हम, तो आपको एंडोक्राइन सर्जन डॉक्टर की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपकी गठान कैंसर वाली आती है तो आपको ऑन्कोलॉजिस्ट, जो कैंसर के निष्णात डॉक्टर्स होते हैं, उनकी भी सहायता लेनी पड़ सकती है, या तो फिर ऑन्कोलॉजिकल सर्जन्स भी कभी कभी इन्वॉल्व हो जाते हैं। और ऑपरेशन के पहले अगर आपको कोई और हेल्थ प्रॉब्लम है, जैसे हार्ट का प्रॉब्लम है, तो हो सकता है आपको कार्डियोलॉजिस्ट के पास भी जाके अपना फिटनेस सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। जनरल एनेस्थीजिया में क्योंकि यह सर्जरी काफ़ी कॉमनली होती है, इसलिए आपको ऑपरेशन के पहले एक बार एनेस्थेटिस्ट डॉक्टर्स का भी ओपिनियन लेना पड़ेगा, जो आपको एनेस्थीजिया का फिटनेस सर्टिफिकेट भी देते हैं। और एक मरीजों का सवाल होता है कि ऑपरेशन थिएटर के अंदर कौन कौन लोग होंगे? मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि ये ऑपरेशन बहुत बड़ी सर्जरी है, लोगों के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं। तो देखिए, ऑपरेशन थिएटर के अंदर सबसे पहले आप होंगे, ठीक है, उसके बाद में आएंगे एनेस्थेटिस्ट डॉक्टर जो आपको जनरल एनेस्थीजिया देने वाले हैं। तीसरे आ जाते हैं आपके सर्जन डॉक्टर जो आपकी सर्जरी परफॉर्म करेंगे। कभी कभार सर्जन डॉक्टर के 1 या 2 असिस्टेंट डॉक्टर्स भी हो सकते हैं। और रहेंगे आपकी वहाँ पे नर्स जो आपकी पूरी ऑपरेशन के अंदर आपकी सहायता करेगी। ये कुछ इम्पॉर्टेंट सदस्य है ऑपरेशन थिएटर के अंदर। दूसरा, मरीजों के मन में सवाल होता है कि क्या चीरा होगा या तो इंसिजन्स होगा? जवाब है जी हाँ, ज़्यादा करके चीरा इतना बड़ा नहीं होता, 1.5 से 3 इंच का चीरा ही लगता है, इंसिजन होता है।
लेकिन आजकल एंडोस्कोपिक वाली सर्जरीज भी आ चुकी है जहाँ पे छोटा चीरा भी हम लेते हैं, ठीक है। अगेन वो उस पर डिपेंड करता है कि आपको कितना बड़ा गॉइटर है या तो कितना बड़ा मास है। अगर बहुत बड़ा गॉइटर रहेगा, मास रहेगा, तो हो सकता है आपकी चीरे की साइज भी बड़ी हो सकती है। ज़्यादा करके जो डॉक्टर होते हैं ये उस प्रकार ही इंसिजन या तो चीरा लेते हैं जो आपके गले की जो त्वचा जो है, चमड़ी जो है, उसको बगल में रखते ही करते हैं। यानी ये चमड़ी की जो क्रीस है उसमें ही हम यूजुअली ये चीरा देते हैं, ताकि जैसे ही ऑपरेशन के बाद में आपका ये जो स्कार बनेगा वो आपकी चमड़ी के साथ में कैमोफ्लाज हो जाए। तो इस बात का हर एक डॉक्टर खास ख्याल रखते हैं। दूसरा मरीजों का सवाल होता है कि ऑपरेशन के बाद में ड्रेसिंग कैसा होगा और क्या टाके लगेंगे या नहीं। देखिए, ऑपरेशन के बाद में ज़्यादा करके गेज प्रेशर की ड्रेसिंग की जाती है और टाके जी हाँ लगते हैं, लेकिन आजकल गलने वाले डिजॉल्वेबल टाके भी आ चुके हैं। अगर ऐसे टाकों का इस्तेमाल किया गया है तो आपके गर्दन पे जो स्किन ग्लू होती है या तो पेपर स्ट्रिप का इस्तेमाल किया जाता है, और अगर कन्वेंशनल टाकों का इस्तेमाल किया है आपके सर्जन डॉक्टर ने तो उसको 5 से 7 दिनों के अंदर वो उस टाकों को निकालना रहता है, ठीक है। दूसरा मरीजों का सवाल होता है और ख़ास करके औरतें का ये सबसे कॉमन सवाल होता है कि क्या डॉक्टर साहब ऑपरेशन के बाद में गले में कोई निशान या तो स्कार रह जाएगा। देखिए, क्योंकि ये मेजर सर्जरी मानी जाती है और इंसिजन भी आपका बड़ा लिया जाता है, तो हो सकता है ऑपरेशन के बाद में आपको निशान रह जाए। ये इस बात पे भी डिपेंड करता है कि कितना बड़ा चीरा किया हुआ था और क्या ये चीरा आपकी स्किन की क्रीज पे अगर बराबर से कैमोफ्लाज हो चुका है तो इतना ज़्यादा निशान दिख के नहीं आता। देखिए, जो निशान जो होता है शुरुआत के स्टेज में थोड़ा ज़्यादा दिखता है और कुछ ज़्यादा बदसूरत जैसा भी दिख सकता है। तो जैसे ही ऑपरेशन के बाद में आपका जो चीरा है वो गुलाबी रंग का हो सकता है, और ये जो स्कार का जो टिश्यू जो है, निशान जो है, ये चोट को कम से कम भरने में कुछ 1 से 1.5 साल तक भी लग सकते हैं। 1-1.5 साल के अंदर ये जो निशान जो है ये काफ़ी हद तक परिपक्व होके उसके अंदर काफ़ी अच्छा सुधार और इम्प्रूवमेंट आता है, और इम्प्रूवमेंट आने के बाद में ये जो निशान जो है ये काफ़ी हद तक सपाट हो जाता है, चपटा हो जाता है, स्मूथ हो जाता है, और कुछ सालों के बाद में हो सकता है निशान दिखे भी नहीं, और अगर निशान दिखता भी है तो बहुत ही माइल्ड और फेडेड वाला निशान ही दिखता है। लेकिन हाँ, कुछ मरीज़ों को अगर किलोइड जैसे समस्या होने की संभावना अगर ज़्यादा है तो उन मरीज़ों का जो स्कार होता है वो एक थोड़ा थिक होके किलोइड भी बन सकता है। तो इस बात का भी आपको ख्याल रखना चाहिए, और अगर आपको किलोइड वाली समस्या है तो आप आपके डॉक्टर से ऑपरेशन के पहले ही बात कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये आज हमने देखा कि थायरॉयड का ऑपरेशन क्या होता है, किस प्रकार के होते हैं इसके ऑपरेशन, और ऑपरेशन से मिलते जुलते कॉमन से लोगों के सवाल। इसके अलग वाले सीरीज़ में हम बात करेंगे कि थायराइड के ऑपरेशन किन मरीजों को की जाती है, ऑपरेशन के दरमियान आपको किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए, ये ऑपरेशन होने के बाद में क्या कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, डिस्चार्ज होकर जब आप घर पे जाते हैं तो आपको कैसे अपने वुंड की ख्याल रखनी चाहिए, क्या खाना पीना खाना चाहिए, और किस प्रकार की नेक की एक्सरसाइज करना चाहिए ताकि आपकी रिकवरी और अच्छी हो। तो अगली बार हम वापस मिलेंगे यही टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हुए। अगर आपको आज का इस वीडियो देखने के बाद में कुछ अच्छी जानकारी हासिल हुई हो तो लाइक बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा, और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ रिलेटेड और ख़ास करके हार्मोन रिलेटेड जानकारियाँ मिलती रहें। और बाजू में एक बेल आइकन है, अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो जैसे ही मेरा नया वीडियो आएगा आपको उसके बारे में तुरंत ही नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और आपको या आपके परिवार में से किसी सदस्य को थायराइड के रिलेटेड कोई भी निजी पर्सनल सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना ज़रूर रखिएगा, मैं जल्द से जल्द इन कमेंट्स का जवाब देने की कोशिश करती हूँ। अगली बार वापस मिलेंगे, तब तक आप आपकी सेहत का ख्याल रखिए। नमस्ते।